planning a trip to Ladakh? Then this video is for you. Here we are going to show you the famous places of Leh where we don't need any kind of permit. So let's start our journey with Shanti Stupa, which was created in 1991 by a Japanese Buddhist. Shanti Stupa entry fees is 30 rupees per person, जो कि इसकी maintenance के लिए लिए जाते हैं। और आपको यहाँ से देखने को मिलता है Leh City का beautiful view. और अब हम चलते हैं जोरावर फोर्ट की तरफ, जो कि आर्मी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये फोर्ट जनरल जोरावर सिंह ने डोगरा सोल्जर्स के लिए एज अ मिलिट्री पोस्ट बनाया था। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, वॉर रूम और हिस्ट्री रूम देखने को मिलेगा। ले पैलेस नामग्याल डायनेस्टी ने 1600 शताब्दी में बनाया था, जो कि 9 मंजिली इमारत है। यहाँ पे आपको ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। अगर आप क्राउड को अवॉइड करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये 8 से 5 बजे तक ओपन होता है। ले पैलेस के बाद आप सीमू मॉनेस्ट्री जा सकते हैं, विच इज़ जस्ट अबव द ले पैलेस। पैलेस से मॉनेस्ट्री का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे वॉक करके भी जा सकते हैं। सीमू मॉनेस्ट्री फेमस है यहाँ पे बनाई हुई 3 मंजिला बुद्धा की प्रतिमा के लिए, जिसको कि गोल्ड से बनाया गया है। फिफ्थ प्लेस यू कैन विजिट इज़ गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ये ले से 24 किलोमीटर दूर श्रीनगर हाईवे पे है। यहाँ पे गुरु नानक जी के सर, कंधे और पीठ के निशान पत्थर पे देखने को मिलते हैं। नॉट ओनली द सिख एंड हिंदूज आर डिवोटीज हेयर, बट तिब्बतन्स ऑल्सो बो डाउन विद फुल डिवोशन एट द पत्थर साहिब गुरुद्वारा। सेवेंथ प्लेस यू कैन विजिट इज इंडस रिवर एंड जांस्कर रिवर संगम। नेक्स्ट प्लेस यू कैन विजिट इज श्री मॉनेस्ट्री और श्री पैलेस, जो कि ले सिटी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये ले मनाली हाईवे पे आता है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द मॉनेस्ट्री इज स्टैचू ऑफ शाक्या मुनि बुद्धा, विच इज सेट टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द लद्दाख। लास्ट प्लेस जो कि आप ले के पास घूम सकते हो वो है थिकसे मोनेस्ट्री, जो कि ले से 20 किलोमीटर दूर थिकसे में है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। ये 12 स्टोरी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट आर्ट, स्तूपास, स्टैचूज, वॉल पेंटिंग्स और तलवारें देखने को मिलती हैं। Thank you for watching the video. I hope you liked it. And if you are new to the channel, do subscribe it.